उम्मे ईशु, एक पाकिस्तानी। पाकिस्तान जिसने मुझे पहचान दी, लेकिन वो चीज़ जिसने मुझे पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया वो था तहफ़ुज़, जो दुनिया का हर मुल्क अपने शहरियों को देता है। फिर वो तहफ़ुज़ चाहे रिज़्क़ का हो या रोज़गार का, दीन का हो या दीनदार का, तालीम का हो या तहज़ीब का, गरीब का हो या सफ़ेद पोश का। मेरे जैसे कई पाकिस्तानी ऐसी कितनी ही सोचों के साथ दुनिया में कहीं ना कहीं आबाद होंगे। मुझे लफ्ज़ अपना से हमेशा से ही लगाव रहा, जैसे मेरा अपना मुल्क, अपने लोग, अपने देसी खाने। हमने पाकिस्तान को एक नए आगाज़ के साथ अलविदा किया। पाकिस्तान छोड़ते हुए दिल उदास तो बहुत था, लेकिन कई नए रास्तों के लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए यही बेहतर समझा होगा। मुझे हमेशा से ही अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र रहा है, और मैं जानती हूँ कि मैं जहाँ कहीं भी रहूँगी मेरा दिल हमेशा पाकिस्तान के लिए ही धड़कता रहेगा। हम सब पाकिस्तान से जा तो रहे थे, पर दिल बहुत उदास था। हर किसी की सोचों में एक ही बात थी कि आने वाला दिन कैसा होगा, आने वाली सुबह और शाम कैसी होगी। हमने तुर्की में अपनी दुनिया बसा तो ली है, यहाँ पाकिस्तान से सब अच्छा और बेहतर भी है, पर फिर भी। लेकिन हम अभी एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे और हम बड़े, हम सब इसी कश्मकश में हैं कि क्या यहाँ सब अच्छा हो जाएगा, क्या तुर्की में भी हम पाकिस्तान की तरह अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। पाकिस्तान में जो अपनों का बेलोस प्यार और मोहब्बत है, क्या वो भी हम यहाँ पे पा सकेंगे। हम तुर्की में हमेशा पाकिस्तान की गीली मिट्टी की खुशबू, देसी खाने और उर्दू जैसी मीठी ज़बान को मिस करते रहेंगे। मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करती हूँ कि आप और हम दुनिया में जहाँ कहीं भी रहें, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।